देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, और कल योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कैबिनेट की झलक सबसे अलग होगी कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरे हाथ में कुछ कागज हैं जो आज बताएंगे कि कौन कौन से वो नाम हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस योगी कैबिनेट में दिखाई दे सकते हैं। तो आपको इन नामों से मिलवाते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि चुनौतियां क्या होंगी। नंबर वन, योगी कैबिनेट कल बन जाएगी, पूरी जो पंचायत होगी वो सज जाएगी। कल पूरे दिन आपको तरह तरह के विजुअल्स, तरह तरह की तस्वीरें, तरह तरह के शपथ ग्रहण के अलग अलग फुटेजेस न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आप देखते रहेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर किन किन के सर पे कल ताज सजेगा मंत्री पद का, ये तो सवाल है जिसका जवाब कल शाम तक आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले बात होगी कि आखिर योगी कैबिनेट तो बन गई, योगी जी तो मुख्यमंत्री बन गए, सरकार तो बन गई, बुलडोजर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मेंटेनेंस में गया और वापस भी आ गया, लेकिन अब क्या होगा। ऐसे में सबसे पहली तो ये चीज देखने वाली होगी कि योगी जी वाला जो बुलडोजर है, ये आइडिया अब मामा ने भी ले लिया है। मामा बुलडोजर वाले मध्य प्रदेश में दौड़ के चल रहे हैं, सरपट चल रहे हैं, बुलडोजर चल नहीं रहा वहां, दौड़ रहा है। तो मामा ने जो आइडिया लिया है, इसका मतलब है कि यहां पर तो आइडिया सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन उससे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि योगी सरकार में सबसे पहले चुनौतियां क्या होंगी, किन किन चुनौतियों से आखिर योगी सरकार को निपटना होगा, नंबर वन। और नंबर टू है कि आखिर योगी कैबिनेट के बनने के बाद जो बुलडोजर है उसका मेंटेनेंस हो गया है, अब ये बुलडोजर सबसे पहले कहां आंधी तूफान मचाएगा, कौन सी बिल्डिंग तोड़ेगा, कौन सा मकान तोड़ेगा, किस अपराधी की रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, ये क्या क्या तोड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक और चीज है जिस पर चर्चा है कि कल किन किन के नामों पर हम भी चर्चा करेंगे, आप भी चर्चा करेंगे, चर्चा करेगा पूरा उत्तर प्रदेश। लेकिन उससे पहले वो जो नाम है, वो नाम इन कागज में है, और कागज में नाम है तो पढ़ देते हैं। सबसे पहला नाम है स्वतंत्र देव सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं, ये भी कल योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो पूर्व परिवहन और प्रोटोकॉल राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली राज्य मंत्री हैं, प्रभावशाली कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। तो जाति का क्या असर होता है ये आप सभी जानते हैं, बताऊंगा नहीं आपको आज, आप जानते हैं, मुझे पता है आप जानते हैं। दूसरे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ये उत्तर प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। तीसरी बेबी रानी मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और चौथा नाम है दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री, चुनाव नहीं लड़ा था इस बार, लेकिन इनको या तो संगठन में भेजा जाएगा या फिर क्या किया जाएगा कल पता लग जाएगा। अश्विनी त्यागी प्रदेश महामंत्री, सतीश महाना मंत्री, ब्रजेश पाठक मंत्री। ब्रजेश पाठक के नाम पर बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा कि ब्रजेश पाठक के नाम पर कल क्या होगा। तो ब्रजेश पाठक का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, इनके कामकाज को लेकर काफी प्रशंसा भी होती है इनकी। श्रीकांत शर्मा जो है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, और इन्होंने 2017 में पहली बार विधायक बने थे और फिर मंत्री बने, बहुत बढ़िया। इस बार भी मथुरा से मैदान में थे और जीते थे। सरिता वधौरिया अगला नाम है, विधायक हैं। 1999 में कांग्रेस पार्टी ने इटावा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। साल 2004 का संसदीय चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। 2017 में इटावा सदर सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत मिली। इटावा में बीजेपी के प्रमुख और कद्दावर नेत्री के तौर पर काबिज है। तो ये भी नाम है अदिति सिंह, विधायक, कौन नहीं जानता भाई, कौन नहीं जानता। अदिति सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर सीट से विधायक है, इससे पहले भी विधायक थी, उससे पहले भी विधायक थी, और कांग्रेस से विधायक थी, लेकिन अब बीजेपी से विधायक है। अगला नाम है जयवीर सिंह, ये मंत्री हैं, ठाकुर साहब हैं जयवीर सिंह, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ को एमएलसी बनने के लिए अपनी सीट खाली कर दिए थे। 6 मई 2018 को भाजपा के टिकट पर फिर से एमएलसी के रूप में चुने गए। अगला नाम है नाम नंबर 12, दयाशंकर सिंह मंत्री। साल 2000 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का सचिव बनाया गया। 1997 से 1998 तक दयाशंकर लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव रहे। अगला नाम बहुत 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 संभल के सुनिएगा, अगला नाम है अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव मुलायम सिंह जी की बहू हैं, 2017 का विधानसभा चुनाव कैंट सीट सपा के टिकट पर लड़ी लेकिन हारी। सपा की सरकार में वह सूचना आयुक्त भी रही। 2022 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और जब से ज्वाइन की तब से लगातार चर्चा चर्चा चर्चा, सुबह से हो गई शाम होती रही चर्चा। अगला नाम है शलभ मणि त्रिपाठी, इससे पहले आपको बता दें कि पत्रकार थे लेकिन अब मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी में
हैं, अब पहले पत्रकार थे और अब मंत्री बनने की इनकी जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। नितिन अग्रवाल उपाध्यक्ष, नितिन अग्रवाल यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष है, हरदोई सीट की सीट से 2017 में सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, अखिलेश की सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रह चुके हैं। अगला नाम असीम अरुण साहब, पूर्व आईपीएस ऑफिसर है ब्यूरोक्रेसी के, लेकिन इस बार बहुत 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 इनकी जो नाम की बात जो चर्चा हुई वो खूब रही। तो असीम अरुण, उसके बाद आते हैं राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह जो है ये भी ब्यूरोक्रेसी के आदमी है और मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को दिया था। स्वाति सिंह नाराज नहीं हुई, सबने सोचा नाराज होंगी लेकिन नहीं हुई। राजेश्वर सिंह का नाम भी मंत्री पद के लिए चर्चा में है। अगला नाम है संजय निषाद का। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद राजनीति में 2 दशक से सक्रिय रहे और इस बार दर्शकों बहुत बहुत बात हो रही है इनकी, बहुत बात हो रही है। तो क्या होगा, बहुत बात हो रही है, मैं बता रहा हूं आपको। डॉक्टर सुरभि का भी नाम है। डॉक्टर सुरभि पहले सपा में थी, अब बीजेपी में है और अब मंत्री भी कल बन सकती है। 17 जनवरी 2017 को बीजेपी ज्वाइन की थी और डॉक्टर सुरभि ने अपना दल का दामन थामा, अपना दल से है डॉक्टर सुरभि जी। असीम राय निषाद पार्टी के उम्मीदवार रहे 2017 विधानसभा चुनाव में, डॉक्टर पी के राय निषाद पार्टी के प्रत्याशी थे। तो असीम राय का भी कल नाम पर मुहर लग सकती है। कुंवर ब्रजेश, ये देवबंद से चुनाव लड़े। कुंवर ब्रजेश विधायक बने, यूपी की 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं, सहारनपुर जिले के देवबंद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला नाम है रामचंद्र यादव, रुदौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, लगातार 3री बार प्रचंड जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक लगाई और कल मंत्री भी बन सकते हैं। केतकी सिंह विधायक, बांसडीह विधानसभा सीट से शानदार जीत दर्ज की, सपा के दिग्गज नेता राम गोविंद चौधरी को भारी अंतरों से हराया। पहला चुनाव उन्होंने बांसडीह से भाजपा के टिकट पर ही लड़ा था, दूसरी बार चुनाव निर्दलीय लड़ा और राम गोविंद को कड़ी टक्कर दी। तो केतकी सिंह की बात कर रहे हैं। अगला नाम है पंकज सिंह, राजनाथ सिंह साहब के बेटे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, 2017 में नोएडा सीट से लड़े थे, जीते थे, फिर लड़े, फिर जीते और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत भयंकर विशालकाय जीत हासिल की। इसके बाद नाम आता है विजय बहादुर पाठक का। विजय बहादुर पाठक उत्तर प्रदेश के भारतीय राजनेता हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हैं। तो दर्शकों ये वो नाम है जिनके नाम पलकर मुहर लग सकती है। आपको जो अलग अलग कल विजुअल दिखाएंगे हम काट काट के, इधर खिड़की पे, इधर खिड़की पे, तो उस खिड़की पर जो कल शपथ लेते हुए दिख सकते हैं ये वो नाम है जिनके नामों पर कल चर्चा जो है बहुत ज्यादा हो सकती है। ये वो नाम है। अब आते हैं टॉपिक पर कि आखिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे योगी आदित्यनाथ साहब को गुजरना पड़ सकता है और इसके बाद कि वो कौन से नाम थे जिनके प्रोटेम स्पीकर को लेकर जिनके नाम पर चर्चा थी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर तो कोई और बन गया, प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सके लेकिन कल मंत्री पद मिल सकता है क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की इनडायरेक्टली पीछे के दरवाजे से, सीधी गली से नहीं, इधर की गली से, उधर की गली से, तेरी गली से, मेरी गली से, किसकी गली से, लेकिन हाँ मेहनत तो की। तो मेहनत का इनाम कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि चुनौतियां क्या क्या रह सकती हैं। तो सबसे पहली चुनौती जो है दर्शकों वो ये है कि रोजगार, रोजगार को लेकर इस बार बहुत घिरे, हालांकि मुद्दा काम नहीं आया लेकिन रोजगार को लेकर घेरा बहुत, इधर से घेरा, उधर से घेरा, हर जगह से घेरा रोजगार को लेकर। और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा मुद्दा। तो इस बड़े मुद्दे पर योगी जी को काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दूसरी बात है, दूसरी बात वो है महंगाई। महंगाई लगातार, महंगाई जो है अपनी बात रख रही है, खुद रख रही है, लेकिन महंगाई को लेकर अभी तक कोई भी निर्णायक फैसला जो है वो नहीं लिया गया। तो महंगाई को लेकर कब बात होगी इस बात पर भी बात होनी चाहिए। तीसरी चीज है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सुरक्षा। सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को एक बार फिर बंपर जीत मिली है, बंपर जीत। तो सुरक्षा को लेकर योगी जी इस बार क्या करेंगे, बुलडोजर, जितनों पर चलना था उतनों पर तो चल गया, लेकिन इस बार वो कौन से नाम हैं, कौन से चेहरे हैं जिन पर इस बार भी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे सकता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक और चर्चा है जिसको आज चर्चा में रखेंगे, वो नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। तो रघुराज प्रताप सिंह के नाम पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो मंत्री पद में क्या कल शामिल हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा बहुत अहम है क्योंकि अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू है उनको लेकर भी चर्चा है कि अपर्णा यादव को जब पार्टी में शामिल किया था उन्होंने जिसको खुद अपर्णा यादव कह रही है, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, अपर्णा यादव खुद कह रही है कि जिन जिन का प्रचार किया उनको जीत मिली। तो आखिर बीजेपी को जीत दिलाने में अपर्णा यादव का भी तो हाथ होगा। और नैरेटिव जो है दर्शकों, नैरेटिव सेट करने में एक बहुत बड़ा खेल होता है, तो नैरेटिव भी सेट किया है डॉक्टर नहीं अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू, उन्होंने नैरेटिव भी सेट किया। तो नैरेटिव जो सेट किया है उसको लेकर क्या कह रहे हैं
इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ कौन कौन मंत्री बनेंगे, जिन दो नामों के बारे में आपको बताया है, उन दो नामों में से कुछ नामों पर एक खर्चा किया हमारी टीम ने, उस खर्चे को देखिएगा के रूप में। रिपोर्ट चलाइएगा प्लीज। शपथ से पहले मंत्री पद पर जंग, हाई कमान का आशीर्वाद किसके साथ, राजा के नाम पर क्या बजा बाजा, आखिरी घड़ी लखनऊ में पक रही सियासी खिचड़ी। जहां योगी 2.0 की तैयारी पूरी हो चुकी है, मंत्री बनने जा रहे लोगों के नाम कागजों में कैद हो चुके हैं, लखनऊ का इकाना स्टेडियम दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है, बड़े बड़े वीआईपीओ के पास शपथ का निमंत्रण भेजा जा चुका है, वहीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजे गए थे। सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों पर थी, लेकिन दोनों नामों पर की गई चर्चा का खर्चा बेकार साबित हुआ। कुंडा से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का नाम खासा चर्चा में था, लेकिन आखिरी वक्त में राज्यपाल ने भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। वो कल सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ लेंगे और फिर 403 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। राजा भैया और आजम खान के समर्थकों की ये आस खत्म हुई तो राजनीतिक पंडितों का आकलन कहता है कि राजा भैया के पास एक आखिरी मौका है कि उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया जा सकता है। चुनावों से पहले जिस तरह से राजा भैया और सपा की लड़ाई निकल कर सामने आई, सपा प्रमुख और जनसत्ता दल प्रमुख के बीच की तकरार अब किसी से छिपी नहीं है और उनकी तकरीरें सब कुछ बयां कर चुकी हैं। क्या कहें मोदी योगी, राजा भैया कितने उपयोगी। मोदी योगी का ख्याल रखने वाले राजा को क्या मिलेगा, तो 26 मई 2018 की ये तस्वीरें देखिए। योगी के राइट लेफ्ट दिख रहे ये दोनों राजा भैया के बच्चे हैं, जिनको योगी आशीर्वाद देते हुए नजर आए थे और इसके ठीक 5 महीने के बाद 28 अक्टूबर 2018 को राजा भैया ने योगी से मुलाकात की। कहने को तो ये दोनों महज तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के कई सियासी मायने भी हैं। तस्वीरें एचडी में हो या ना हो, लेकिन एक बात तो साफ दिख ही जाती है कि राजा भैया और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो क्या अच्छे रिश्ते इस कदर अच्छे हैं कि कुंडा के अच्छे दिन ले आएंगे? अगर इस सवाल का जवाब हवा में तलाशेंगे तो पाएंगे कि ऐसा तो सूत्र भी नहीं सोच सकते, लेकिन गहराई में जाएंगे तो कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखने वाले देखेंगे कि राजा भैया बीजेपी के लिए बहुत काम करते हैं। वो अकेले गैर बीजेपी नेता हैं जिन्होंने सपा के लिए कहा था कि ना तो सपा की सरकार बन रही है और ना ही बनने देंगे। सरकार हमको एक गलत फहमी दूर कर दे, सरकार ना बने किया ना बने दे। अब राजनीतिक पन्नों को पलटने वाले समझ जाएंगे कि अगर बीजेपी की सीटों में जरा भी नंबर कम होते तो जनसत्ता दल ही सीटों वाली स्टेपनी होती। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल क्या होगा इसको लेकर ये पक्ष भी समझना होगा। राज्यसभा के चुनावों में राजा भैया बीजेपी का साथ देते हैं, एमएलसी चुनावों में बीजेपी राजा भैया का साथ बिना किसी शर्त देती है। ये छोटी बातें हैं, मगर सियासी रूप से मोटी बातें हैं। हालांकि मोटा माटी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि योगी कैबिनेट में अभी तक राजा का नाम शामिल नहीं है, लेकिन क्या एमएलसी चुनाव में साथ देकर ही बीजेपी किनारा कर लेगी या राजा का ख्याल मंत्री बनाकर भी दिया जा सकता है, क्योंकि जनसत्ता दल के लखनऊ चीफ संग्राम सिंह कहते हैं, हमारी पार्टी जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि बीजेपी राजा भैया को योगी कैबिनेट में मंत्री बनाएगी। ऐसे ऑफर पहले भी मिलते रहे हैं, एमएलसी चुनाव में हमारी पार्टी को बीजेपी के नेता मंत्रियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बीजेपी मंत्री बनाएगी या नहीं, ये तो समय बताएगा।
लेकिन योगी राजा भैया को मंत्री बनाना चाहे भी तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर ठाकुर नेता होने का टैग पहले से लगा है और अगर अब वो राजा भैया को साथ लेते हैं तो ठाकुर नेता की ये छवि और भी गहरी हो जाएगी। बाकी देर सवेर कुंडा की जनता का कहना ही है कि राजा मंत्री बने या ना बने, उनकी ताकत उतनी ही है। वो पक्ष में रहे या विपक्ष में, उनकी पावर पर कोई खास असर नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो देखा आपने, समझा आपने, सोचा आपने, क्या किया आपने और कल क्या होगा, इसको लेकर चर्चा है, खर्चा है, पर्चा है, मेरे हाथ में भी पर्चा है जिनकी मैंने अभी बात की कि कौन कौन जो है कल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, कौन। लेकिन उससे पहले एक फॉर्मेलिटी होती है एक, कि कौन नेता बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन विधायक दल का नेता बनेगा। हर जगह चुनाव भी होता है, कांग्रेस में है ना, जैसे कि कांग्रेस में फॉर्मेलिटी बहुत होती है कि अब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन ये बात सबको पता होती है, ये बात मुझको भी पता है, ये बात आपको भी पता है, ये बात राहुल गांधी को भी पता होती है, सोनिया गांधी जी को भी पता होती है कि आखिर अध्यक्ष कौन बनेगा। कपिल सिब्बल को भी पता होती है, गुलाम नबी आजाद को भी पता होती है, रणदीप सुरजेवाला को भी पता होती है, अशोक गहलोत को भी पता होती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश ये बात भोजपुर के विधायक नागेंद्र सिंह को भी पता है, ये बात एक एक व्यक्ति को पता है, ये बात फरखाबाद सदर से विधायक मेजर को भी पता है, ये बात केतकी सिंह को भी पता है, ये बात नितिन अग्रवाल को भी पता है, जयवीर सिंह मैनपुरी से उनको भी पता है, ये बात हर किसी को पता है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं। लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्मेलिटी होती है, तो फॉर्मेलिटी के नाम पर एक विधायक दल की बैठक हुई, मीटिंग हुई, चर्चा हुई और उसमें विधायक दल के नेता चुन लिए गए, योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं योगी जी और क्या कुछ कह रहे हैं, पर्यवेक्षक कहूंगा और बताता चलूं कि गृहमंत्री हैं ये आप सब जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक की भूमिका में है। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, बाइट टू विंडो में चलाइए। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। उत्तर प्रदेश की स्थापना से लगभग कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कारण क्या होगा इसकी मीमांसा में जाने का दिन नहीं है, परंतु हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय गृह मंत्री जी का, स्वपर्यवेक्षक और पूरी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पांच वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। मैं आभारी हूं आप सबका।
तो कल योगी का मंत्रिमंडल डिसाइड हो जाएगा। कल योगी के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे डिसाइड हो जाएगी। योगी की जब मीटिंग होगी मंत्रिमंडल की, तो कौन कौन सी कुर्सी पर कौन कौन बैठेगा ये डिसाइड हो जाएगा। किस किस के नाम के आगे नंबर प्लेट लगेगी ये डिसाइड हो जाएगा। नेम प्लेट लगेगी, माफ कीजिएगा, नेम प्लेट किसके नाम के आगे लगेगी ये डिसाइड हो जाएगा। और किसके दफ्तरों के बाहर सजेगा मंत्री, किसके दफ्तर के बाहर सजेगा राज्य मंत्री, ये भी कल डिसाइड हो जाएगा। सहरा, जैसा शादियों में होता है सहरा सजेगा, वैसे ही कल जब शपथ ग्रहण हो तो ये पता लगेगा कि ताज किसके सर पर सजेगा, कौन मंत्री बनेगा, और आने वाले 5 साल संभावित रूप से आने वाले 5 साल तक कौन मंत्री बनकर कौन किस विभाग के लिए कैसे कितना और कब कब और क्या क्या काम करेगा, ये भी कल के बाद देखना शुरू हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ कल सुबह 11 बजे होगी, और मंत्री पद की शपथ जो है दोपहर के बाद से ही, जैसा कहते हैं ना रुझान आना शुरू मीडिया की भाषा में, वैसे ही कल दोपहर से शुरू हो जाएगा और शाम तक आपको पता लग जाएगा कि कौन से विभाग का कौन मंत्री है और कौन आगे चलकर किस विभाग के लिए काम करने जा रहा है, ये सब कुछ कल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है और जिन नामों ने बीजेपी को असली फायदा भी पहुंचाया बैकडोर से, उन नामों को क्या इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले सूत्रों के हिसाब से जो टीवी चैनल बता रहे हैं उनको भी आप देखते रहिए, बाकी कल जो असलियत है वो खुद पता चल ही जाएगी। तो आज मंत्री पद का एग्जिट पोल क्या था, मंत्री पद का ओपिनियन पोल क्या था और पोल का पोल क्या था, ये सब आपके सामने रखा, और कल आप देख लेंगे कि आखिर कौन मंत्री बनता है, कौन क्या बनता है, किसको कौन सा पद, कौन सा दायित्व, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी जिम्मेदारी से नवाजा जाता है, ये सब आपको कल मालूम चलेगा। लेकिन जिसको नहीं मिलेगा कुछ भी, वो परेशान होगा कि नहीं होगा, और संगठन में किन किन को भेजा जाएगा ये भी आप गौर करिएगा कि किन किन को संगठन में जगह मिलेगी, किन किन को सरकार में जगह मिलेगी, कौन सरकार में थे उनको संगठन में जगह मिलेगी, कौन संगठन में थे उनको सरकार में जगह मिलेगी, किस किस को इनाम मिलेगा, किस किस को फल मिलेगा, ये सब कल पता लगेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। देखिए भारत @9 काबेंद्र चौहान के